दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। सो इन टुडेज़ वीडियो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ न्यू लॉन्च्ड प्रोडक्ट जो कि है फ्रॉम द ब्रांड लॉरेल पेरिस। एंड जो प्रोडक्ट है दैट इज़ द हाइलुरोनिक एसिड रेंज। सो इन दिनों आजकल मैं बहुत सुन रही हूँ, ये एक टेक्निक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रखा है एंड काफ़ी ब्लॉगर्स लोग बात कर रहे हैं इस टेक्निक के बारे में, विच इज़ दी मॉइस्चर सैंडविच टेक्निक। वॉट इज़ मॉइस्चर सैंडविच टेक्निक? सो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे एंड ऑल्सो किस तरह से आपको सारे ही प्रोडक्ट्स अप्लाई करने हैं। ओके, तो मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देती हूँ जो कि हाइलुरोनिक एसिड रेंज के प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों, ये हैं द न्यू लॉन्च्ड हाइलुरोनिक एसिड रेंज प्रोडक्ट्स। इस एंटायर प्रोडक्ट्स को मैं अप्लाई करके आपको दिखाने वाली हूँ मॉइस्चर सैंडविच टेक्निक। ये जितने ही सारे प्रोडक्ट्स हैं इसको हम एक के ऊपर एक इसकी लेयरिंग करेंगे हमारे डैम स्किन पे। हम यूजुअली जितने भी स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं हम फेस वॉश करके अच्छे से ड्राई स्किन पे अप्लाई करते हैं, तो इस बार हमें उस तरह से इस प्रोडक्ट को अप्लाई नहीं करना है। हमें सबसे पहले अपनी स्किन को वॉश कर लेना है अच्छे से विद द हेल्प ऑफ द क्लेंजर, वो मैं आपको दिखाऊंगी, एंड देन आपको हल्की सी अपनी स्किन को डैम्प रखना है। सो ये सारे ही प्रोडक्ट जब आप अपने स्किन पे अप्लाई करोगे तो एक सैंडविच टेक्निक क्रिएट होगा जिसके थ्रू जो वाटर होगा वो ट्रैप हो जाएगा आपकी स्किन में। सो इसी को कहा गया है गाइस मॉइस्चर सैंडविच टेक्निक। एंड ऑल्सो आपने सैंडविच को भी देखा होगा बनते हुए किस तरह से बनता है, उसमें लेयरिंग की जाती है। सो इसी लिए ये सारे प्रोडक्ट्स की भी हम अपनी स्किन पे लेयरिंग करेंगे। सबसे पहले तो हम थोड़ा सा लाइटर और यू कैन से वाटरी प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे हमारी स्किन में एंड देन हम थिकर प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे, तो इनका लेयर हम बनाएंगे जिसके वजह से ही जो भी वाटर होगा आपकी स्किन में बहुत ही अच्छे से ट्रैप होगा एंड यस काफ़ी देर तक आपकी स्किन में ट्रैप रहेगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा आपकी स्किन को, आपकी स्किन बहुत अच्छे से हाइड्रेट हो जाएगी एंड योर स्किन विल फील हैप्पी। नाउ डैम्प स्किन पे अप्लाई करने का एक इसका टेक्निक है, जो पानी हमारे स्किन में थोड़ा थोड़ा सा बचा होगा वो क्या करेगा, वो एक तरह से सारे ही प्रोडक्ट्स को पेनिट्रेट करेगा डीपली इनटू आवर स्किन, सो विच विल रिजल्ट इन अ गुड स्किन केयर रूटीन एंड ऑल्सो आपकी स्किन को बहुत अच्छे से ये हाइड्रेट कर देगा एंड ब्यूटिफुली मॉइस्चराइज कर देगा। क्यों ये मॉइस्चर सैंडविच इतना बेनिफिशियल है? इसमें जो मेन की इंग्रेडिएंट है दैट इज हाइलुरोनिक एसिड HA, तो वो आपको इन सारे ही प्रोडक्ट्स में इंक्लूड हुए। तो पहला प्रोडक्ट है वो है ये HA क्लेंजर, सेकंड इज दिस जिसमें इंक्लूड है 1.5% HA सीरम, थर्ड इज प्लम्पिंग HA जेल क्रीम, फ्रेश मिक्स सीरम शीट मास्क। तो इन सारे ही प्रोडक्ट्स में आपको हाइलुरोनिक एसिड इंक्लूड मिलेगा। अब आपको पता ही होगा कि हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है, सो जिन्हें नहीं पता हाइलुरोनिक एसिड क्या होता है तो मैं छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ अबाउट दी हाइलुरोनिक एसिड। ये एक तरह से हमारी स्किन के मॉइस्चर लेवल को मेंटेन करके रखता है और हाइलुरोनिक एसिड डिप्लीट होने लग जाता है पोस्ट 20s में। ये हाइलुरोनिक एसिड अपने वेट को अप टू 1000 times पानी में होल्ड करके रखता है और इसी को कहते हैं मॉइस्चर मैग्नेट, क्योंकि आपकी स्किन के जगह जगह से ये वाटर को पुल करेगा, अच्छे से सक इन एंड अब्सॉर्ब कर लेता है स्किन में और फिर रिजल्ट क्या होता है, आपकी स्किन बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट हो जाती है एंड प्लम्प हो जाती है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर रही हूँ बाय यूजिंग हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेटिंग जेल क्लेंजर। बहुत अच्छे से आपकी स्किन को जेंटली क्लेंज करेगा और आपकी स्किन को हाइड्रेट एंड प्लम्प करेगा। सो दिस क्लेंजर इज एनरिच्ड विद पावरफुल हाइलुरोनिक एसिड। इसका बहुत ही अच्छा क्रीमी एंड अल्ट्रा फाइन फोम है जो कि अच्छे से आपके पोर्स में पेनिट्रेट होगा एंड आपकी जो भी इम्प्योरिटीज होंगे उनको क्लीन करेगा एंड आपके मेकअप को भी ये बहुत अच्छे से क्लीन कर देगा और बिल्कुल भी आपकी स्किन को ये ड्राई फील नहीं करेगा। सो दिस प्रोडक्ट इज डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड, सो आपको इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है एज वेल एज नेक पे और फिर आपको इसके बाद वॉश कर लेना है और आपको इसके बाद थोड़ा सा अपनी स्किन को डैम्प रखना है। फिर फॉलोइंग टू द अनदर स्टेप मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ 1.5% HA सीरम, तो इसके आपको 2-3 ड्रॉप्स लेना है। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा 3-4 ड्रॉप्स ले लिया, तो आप उतना भी ले सकते हो, दैट टोटली डिपेंड्स ऑन योर स्किन टेक्सचर। सो मेरी ऑयली है इसलिए मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया एंड बहुत दिन से मेरी स्किन भी बहुत ज्यादा डल हो रखी है। बहुत ही लाइट वेट है एंड नॉन स्टिकी फॉर्मूला है और ये सीरम बहुत अच्छे से स्किन में अब्सॉर्ब हो जाता है। ये सीरम बिल्कुल भी कोई अल्कोहल, पैराबेन या फिर कोई फ्रेग्रेंस इस तरह की चीजें इंक्लूड नहीं करता है और ये ऑल स्किन टाइप के लिए सूटेबल है, इवन सेंसिटिव स्किन वाले भी इसे यूज कर सकते हैं।
इसको आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है. उसके बाद फॉलोइंग टू द थर्ड स्टेप, टॉप इट अप विद द हाइलुरोनिक एसिड जेल क्रीम. वेल गाइस, दिस कम्स विद माइक्रो हाइलुरोनिक एसिड जो कि डीपली पेनिट्रेट होगा इनटू द स्किन फॉर हायर एफिकेसी. ये है ट्रांसलूसेंट पर्ल जेल विच विल जस्ट ग्लाइड अक्रॉस योर फेस. नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, नॉन ऑयली है ऑन द स्किन, बहुत जल्दी अब्सॉर्ब हो जाएगा, लीविंग अ सेंसेशन ऑफ हाइड्रेटेड वेलवेटी स्किन. तो इस क्रीम को जेंटली आपको पूरे फेस पे अप्लाई करना है, स्प्रेड करके आपको अच्छे से मसाज देना है. तो ये सिर्फ एक अपना गुडनेस ही नहीं ऐड करेगा ऑन द स्किन, बट ऑल्सो ये आपके सारे ही प्रोडक्ट्स जो कि हमने इससे नीचे अप्लाई किए हैं वो सब प्रोडक्ट्स को ये ट्रैप कर देगा और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बनाएगा. सो माई स्किन फील्स सुपर कंफर्टेबल, सुपर सॉफ्ट एंड यस गाइस, बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है. ऑल सीजन के लिए ये मैंडेटरी स्किन केयर रूटीन है. एंड ऑल्सो गाइस, मैं एच ए शीट मास्क भी यूज कर लेती हूँ कभी कभार, यू नो 2-3 times अ वीक आप इसको भी यूज कर सकते हैं जस्ट टू गिव अ फ्रेश बूस्ट ऑफ हाइलुरोनिक एसिड ऑन योर स्किन. तो आप ये भी यूज कर सकते हैं. अगर आप बेस्ट रिजल्ट चाहते हैं तो यूज द क्लेंजर ट्वाइस डेली, डे एंड नाइट में, इन कॉम्बिनेशन विद 1.5% एचए सीरम एंड एचए जेल क्रीम. सो ये टेक्निक तो आपको पता ही होगा कि किस तरह से आपको शीट मास्क अप्लाई करना है. तो आप देख सकते हैं, आपको अच्छे से यू नो इसे फोल्ड करके, आपको स्क्वीज करके सीरम को दूसरी साइड में भेजना है कि अंदर आपको मिलेगा शीट मास्क जो कि ईजिली सीरम को पूरी तरह से अब्सॉर्ब कर लेगा. So guys, my skin feels really hydrated, radiant and plumpy. आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा विदन ग्लो आ रहा है, लग रहा है कि बिल्कुल नेचुरल है ना. अगर आप ये प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दिए हैं इन सभी प्रोडक्ट्स के. ऑल्सो सीरम जो है गाइज, ये 2 sizes में अवेलेबल है. 50 ml एट 499 rupees का पड़ेगा एंड 30 ml एट 999. और क्रीम भी आपको अवेलेबल मिलेगा इन 2 sizes, 50 ml वाला होगा 499 का एंड 50 ml एट 999. क्लेंजर इज ऑल्सो अवेलेबल इन 2 sizes, 50 ml एट 175 एंड 100 ml एट 315. मॉइस्चर सैंडविच टेक्निक तो आप जरूर ट्राई करना बिकॉज आई टोटली लव्ड इट. आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो. पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल. और मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय.